नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा शेख, आज मैं आपको अंगनेवाड़ी मसूरा और मसूरे में कावा गांव बताने जा रही हूँ। ये अब हम लोग मालवन से निकले और सागरी महामार्ग से होते हुए अब हम अडारे की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ से टर्न मारने के बाद ये अडारी यहाँ से शुरू होता है। इस रास्ते से गुज़रते हुए यह अब हम अडारे की तरफ आ रहे हैं। देखो, ये यहाँ पर एक छोटा सा पुल है। इस पुल पे से गुज़रने के बाद लेफ्ट साइड में टर्न मारने के बाद ये देखिए, ये यहाँ से अडारी शुरू हो गया है। यहाँ पर भी घर है, दुकानें हैं, मंदिर हैं। अब यहाँ से गुज़रने के बाद ये एक अडारी का पुल है। पुल पे से गुज़रने के बाद जब हम सीधा जाएंगे तो कतवड़ का इलाका आता है। देखो पुल कितना छोटा है, एक वक्त में यहाँ से एक ही गाड़ी गुज़र सकती है। सामने से जब एसटी आती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसे रुकना पड़ता है। यहाँ से ये अब हम कतवड़ की तरफ जा रहे हैं। ये रहा कतवड़, ये देखो सामने फूलों का पेड़ कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये जो आपको लोग दिखाई दे रहे रास्ते पर, ये मालवन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मालवन में जब उनका काम रहता तो मालवन में लगातार उनका आना जाना उनका शुरू रहता है। ये रहा कतवड़। यहाँ पर ये जो घर है, इसी घर में एक चक्की है, चक्की के बाजू से एक रास्ता जो गया है वो हड़ी आचरा की तरफ जाता है। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने, मुंबई वालों ने बहुत सी जगह खरीद कर रखे है। देखिए ये रहा जिला परिषद की कतवड़ की स्कूल। ये जो आपको चीरे दिखाई दे रहे, ये यहाँ पर नए जो है कंस्ट्रक्शन शुरू है। देखो कितना बड़ा पेड़ है। यहाँ पर भी आपको बहुत से बंगले दिखाई देंगे। मुंबई के लोगों ने यहाँ पर जगह लेकर रखे हैं। देखो यहाँ पर रास्ते पर बहुत ही कम लोग हैं, सिर्फ यहाँ पर एक ही टू व्हीलर दिखाई दे रही है। यहाँ से गुजरेंगे तो ये एक गांव मिलता है, ये महान नामक गांव है। यहाँ से होते हुए अब हम आंगनेवाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आंगनेवाड़ी गाँव ये भराड़ी देवी मंदिर की वजह से देश विदेश में मशहूर है। देखिए रास्ता कितना छोटा है, लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा है। बोलते हैं ना कि गाड़ियों को हिचकुले नहीं लेना पड़ते, इतना अच्छा रास्ता है। अब बारिश के बाद तो बोल नहीं सकते। ये रहा स्कूल के बच्चे छुटे हुए हैं। यहाँ पर ये स्कूल है ज़िला परिषद की। अब ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रही है आंगनेवाड़ी का है। देखो यहाँ पर ये कलम के बागायत हैं, लोगों ने कलम के पेड़ लगाए हैं क्योंकि इससे काफ़ी उत्पन्न है। यहाँ पर ये दो रास्ते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं घूमना है, यहाँ से हमें सीधा जाना है। ये रास्ता जल मंदिर की तरफ जाता है। सीधा होते हुए अब हम आंगनेवाड़ी की तरफ जाएंगे। देखो रास्ता कितना अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर घर है। देखो यहाँ पर ये पेड़ के नीचे कितनी अच्छी, ये श्री हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ से होते हुए हम सीधा आंगनेवाड़ी की तरफ गुजर रहे हैं। रास्ता देखो कितना अच्छा है, यहाँ पर दो रास्ते हैं। ये जो लग्जरी बस है टर्न मारी है, उस रास्ते से हमें नहीं जाना है, हमें सीधे जाना है आंगनेवाड़ी की तरफ। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, आंगनेवाड़ी का रास्ता बिल्कुल सीधा है। देखो रास्ता कितना अच्छा है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ है। यहाँ पर टाइमिंग पर बसेस होते हैं, वैसे तो रिक्शा वगैरह मिल जाती है, रिक्शा होती है। टाइमिंग पे बस होने के बाद अक्सर लोग जो है यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों से सफ़र करते हैं। इनके उन्होंने अभी प्राइवेट गाड़ियाँ भी खरीदे हैं, क्योंकि आजकल लोन बहुत मिल जाता है, तो लोगों ने काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह खरीदे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैवल्स करने में काफ़ी आसानी हो गई है। यहाँ से होते हुए ये रहा, यहाँ से आंगनेवाड़ी ये सब शुरू हो गया है। देखो घर कितने अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर ये टर्न मारने के बाद, यहाँ पर देखो ये नारियल के दरख्त, यहाँ से टर्न लेने के बाद अब ये सब आंगनेवाड़ी है। यहाँ पर आपको ये टर्न एक मिलेगा, यहाँ से हम उल्टी तरफ टर्न मारेंगे। यहाँ पर जो बोर्ड है, यहाँ से घूमने के बाद
सीधी तरफ टर्न मारेंगे, देखो ये भराड़ी देवी का मंदिर है, हर साल यहाँ पर बहुत बड़ी जत्रा होती है और हर तरफ से लोग जो है लाखों की तादाद में यहाँ पर इस जत्रा में शामिल होते हैं। बहुत सी दुकानें लगती है, देखो अभी भी यहाँ पर दुकानें हैं, रिक्शा है, लोग सिर्फ जत्रा के वक्त ही नहीं बल्कि दिवाली में, मई महीने में भी यहाँ पर आते हैं इनके दर्शन के लिए। देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर है ये। यहाँ से सीधे होते हुए अब हम मसूरे की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो मसूरा जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक अडारी का और एक कांदड़ गाँव का। हम लोग ये अडारी के रास्ते से आए हैं। यहाँ पर ये ज़िला परिषद की स्कूल है, मसूरा स्कूल है। यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो ये मसूरा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सैयद मोहल्ला बोल के है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये मुंबई के लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े बंगले बनाए, मंदिर भी काफ़ी है यहाँ पर, दूर दूर है लेकिन बंगले ये सब मुंबई वाले हैं, इन्होंने बांध कर रखे हैं, छुट्टियों में यहाँ पर आते हैं, मई महीने में तो ये सब बंगले यहाँ पर खुले रहते हैं। देखो ये रहा मसूरा, यहाँ पर बोर्ड आपको दिखाई देगा, तीर का निशान है ये मसूरा। वैसे तो अभी तक मसूरे में कुछ तरक्की नहीं हुई, हम बचपन से यहाँ पर आते जाते हैं। देखो यहाँ पर लोग जो है खेती कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं तब हमें ये सब अनाज मिलता है। यहाँ पर देखो ये औरतें भी काम करते, ये जो औरत है ये भात से घास जो अलग कर रही है, काफ़ी मेहनत का काम है, दिन भर ये खेतों में काम करते। ये किला है मसूरे में, जो किला है वो मैं आपको किला बता रही हूँ। अब ये रहा मसूरा, देखिए सबसे पहले मैं आपको सैयद मोहल्ले में लेकर जाऊँगी। रास्ते पर लोग बहुत ही कम है, दोपहर का वक्त है, धूप होने की वजह से लोग अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन के काम चालू है। रास्ता काफ़ी छोटा है, घर देखो पुराने घर, ये आ गया मसूरा, यहाँ पर घर है। अब ये मैं आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत की जो इमारत है, ये मंदिर है, मंदिर के थोड़ा सामने की तरफ जो है ग्राम पंचायत की इमारत है, वहाँ से हम लोग अब सीधा बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। इसी के बिल्कुल सामने चिश्ती की एक दरगाह है, ये रहा ज़िला परिषद का, मसूरे का ज़िला परिषद की स्कूल, यहाँ पर ये चिश्ती की दरगाह है। हर साल यहाँ पर बहुत बड़ा उरूस होता है, ये ग्राम पंचायत की इमारत है और हर तरफ से लोग जो है इस उरूस में शामिल होते हैं। ये रहा स्कूल, ये चिश्ती की दरगाह, देखिए यहाँ पर मिर्चियाँ और कैरियाँ सुखाई जा रही है, बिल्ली किस तरह बैठी है को नीचे छाँव में। यहाँ पर देखो ये तोता पायरी आम है, यहाँ पर तोता पायरी आम बहुत होते हैं। यहाँ पर ये नदी है, अभी हम हमारे रिश्तेदार के यहाँ मालडी गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटू बोल के है, उनका घर है, मैंने उनसे मुलाकात की, देखो वो आम निकाल रहे हैं, मैंने उनसे पूछा, मालूमात ली, वो खाने का भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और ये भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। देखो कितने अच्छे तोता पायरी आम लगे हुए हैं, ये तुम ये करते ना इसको, उनके बाग में ज़्यादातर तोता पायरी के ही पेड़ है। ये सामने उनका घर है, आम निकालने में मशगूल है वो, है ना। इस नदी पर जब आप आओगे तो आपको इतना अच्छा महसूस होगा, मुझे तो ऐसा लगे यहीं पर आकर दो दिन रह जाना। देखो ये फनस का पेड़ है, फनस देखो कितने नीचे तक लगे हुए, बड़े बड़े फनस है, ये मई महीने में ही आपको दिखाई देंगे। करवंदे वगैरह सब यहाँ पर रहते हैं, जाम होते हैं, जामुन होते हैं, करवंदे होते हैं, काजू होते हैं। अब हम यहाँ से निकले, अब हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, ये सैयद मोहल्ला, यहाँ से होते हुए अब हम मसूरे की बाज़ार की तरफ आ रहे हैं। हर तरह की दुकानें आपको यहाँ पर दिखाई देगी, देखिए रिक्शा तो चालू ही रहती है, रिक्शा आपको मिल जाएंगे लेकिन बसेस वगैरह टाइमिंग पर ही होती है।
रात में ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर किसी की रिक्शा है तो उसको कोई मुसीबत नहीं, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ गया तो ज़रा थोड़ा उसको ये होता है, तकलीफ़ उठाना पड़ती है। देखिए यहाँ से होते हुए अब हम बाज़ार की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी काम चालू है। अब ये छोटा सा यहाँ पर पुल है, पुल पे से गुज़रने के बाद ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहे हैं यही बाज़ार है। देखिए नारियल के दरख्त, ऊंचे ऊंचे दरख्त है, सामने मंदिर है। यहाँ पर ये शेख मोहल्ला है, ये सामने जो इमारत दिख रही है वो सुज्जा शेख की है। ये सामने जो एकदम आदमी खड़े हुए, यहाँ पर देखो दुकान है और ये होटल है। जब कभी आप आओगे तो आपको नाश्ता वगैरह यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर गोश्त की दुकानें हैं, भाजी तरकारी सब मिलती हैं, हफ्तावारी बाज़ार होता है। ये दो रास्ते गए हैं, देखिए ये जो मोटरसाइकिल का यही रास्ता कावे की तरफ जाता है। ये देखिए दो रास्ते हैं। ये हमारे रिश्तेदार मैमूना इकबाल मसूरकर का घर है। देखिए ये जो है ये गांव की तरफ, यहाँ पर सब मुस्लिम घर है, काफ़ी घर है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुंबई में रहते हैं। देखिए ये रहा कावा, देखिए इतनी नदी अच्छी है, यहाँ पर आने के बाद इतना अच्छा महसूस हुआ कि पूछो ही मत। देखिए ये मेरी खाला की लड़की है, दो तरह का रिश्ता है, ये मेरी मम्मी के खाला के लड़के उनकी बीवी है। देखिए बच्चे जो है नदी में तैर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए पानी में, नदी में काफ़ी भरती थी, सीटें बनाई गई है, इतना अच्छा महसूस होता है कि पूछो ही मत, ठंडा ऐसा लगता है कि यहीं पे रह जाना। बच्चे लड़के हैं देखो, ऐसे छोटे छोटे ओके छोटे लड़के, देखिए तैरते। सामने भगवानगढ़ है, कितना है देखो भरती है, यहाँ से कश्ती से जाने के बाद कितना चढ़ा है। सामने भगवानगढ़ है, वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर बसेस होते हैं, बसेस टाइमिंग पर है, आचरा के लिए बसेस होते हैं। अगर आपको आचरा यहाँ से जाना हो तो आपको बसेस सामने भगवानगढ़ में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको होड़ी से सामने जाना होगा। देखिए ये टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, अगर आपको आना हो तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए ये रहे मेरा लड़का आमिर, और उनके बाजू में जो है खाला का लड़का है, इनको भी हमने कावा बताने के लिए ले गए थे, बहुत ही अच्छी जगह है। आप अगर मसूरी में आएंगे तो कावे में ज़रूर विज़िट करना, सब क्या-क्या करके दी थी मेरे, मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। देखिए अब हम रिटर्न अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। रास्ता बहुत ही अच्छा है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आने जाने में। देखिए अभी जो लास्ट में गए थे कल्याण वाले, कल्याण वाले तो यहाँ पर घर है वो हुसैन भाई की औरत। हाँ अरे ये अभी हम मालवन की तरफ आ रहे हैं। ये देखो शाहरुख, देखिए नदी, नदी में पानी बहुत ही कम है, थोड़ा अपलोड करने में मुझे वक्त लगा। ये मई महीने में मैं यहाँ पर गई थी। देखिए ये हाई स्कूल, यहाँ से होते हुए अब हम आंगनेवाड़ी करते हुए मालवन की तरफ आ रहे हैं। माहौल देखो कितना अच्छा है, ये हाई स्कूल है। यहाँ पर देखो हमने राजू बोल के एक है उनकी होटल में हमने नाश्ता किया। ये रही हमारी गाड़ी, यहाँ पर हमने थोड़ा नाश्ता किया। ये रहा भराड़ी देवी का मंदिर, यहाँ पर भी बहुत से होटल्स हैं, आराम से आपको अगर आप विज़िट करोगे तो आपको यहाँ पर नाश्ता वगैरह सब मिल जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत, यहाँ से हम लोग निकले, रास्ते पर लोग बहुत ही कम होते हैं। देखिए कितना अच्छा है।
सीधा मालवन आता है, रास्ता एकदम सीधा है, स्ट्रेट है। देखिए लोगों ने यहाँ पे लकड़ियाँ गट्टे बना कर रखे, बारिश की तैयारी शुरू है, लोग ऐसे गट्टे बना कर रखते हैं। कितना बड़ा देखो बड़का पेड़ है, लकड़ियों के गट्टे बना कर रखते हैं और फिर बारिश के वक्त वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम मालवन के पिपल के दरख्त के पास पहुँच चुके हैं। मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।